मित्रों नमस्कार, मैं हूं आशीष मौर्य आपके साथ और आप देख रहे हैं आरजी न्यूज। आरजी न्यूज में आपका स्वागत है। रोडवेज बस अड्डे को शहर से बाहर स्थानांतरित करने की मांग राष्ट्र जागरण उद्योग व्यापार मंडल ने। आपको बताया चले कि राष्ट्र जागरण उद्योग व्यापार मंडल के मानक अध्यक्ष विशाल के नेतृत्व में परिवहन मंत्री अशोक कटियार को ज्ञापन दिया और मांग की कि शहर के बीचोंबीच स्थित रोडवेज बस अड्डे को शहर से बाहर स्थानांतरित किया जाए। बरेली शहर स्मार्ट सिटी में है और शहर के बीच बीच आ चुके बस अड्डे से शहर में जाम रहता है। वहीं बरेली कॉलेज और इलेक्ट्रॉनिक मार्केट होने की वजह से छात्रों को और व्यापारियों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। राष्ट्र जागरण उद्योग व्यापार मंडल के पूर्व डिप्टी मेयर पार्षद अतुल कपूर ने कहा, शहर की घनी आबादी के बीच बीच आ चुके बस अड्डे को शहर से बाहर स्थापित किया जाए। शहर में जाम की समस्या का कारण ऑटो और ई रिक्शा भी हैं। शहर में चलने के लिए इनके तय मानक और सड़कें चयनित की जाएँ। इलेक्ट्रॉनिक ऑटो पर नंबर अलाउट किए जाएँ जिसके ऊपर ड्राइवर का नाम भी लिखा होना अनिवार्य हो। आगरा और मथुरा के लिए बदायूं रोड पर नया बस स्टैंड बनाया जाए। वहाँ पुल से उतरते ही सीधे हाथ को सरकारी ज़मीन काफ़ी पड़ी है जिस पर अनधिकृत कब्जे हो रहे हैं। रोडवेज बस अड्डों में भी ड्राइवर और कंडक्टर की वर्दी सुनिश्चित की जानी चाहिए। ज्ञापन के दौरान गोपेश अग्रवाल, अमित भारद्वाज, अतुल कपूर, विशाल मल्होत्रा, मानग अध्यक्ष ध्रुव अग्रवाल, अरविंद अग्रवाल, जीतू देवनानी आदि मौजूद रहे। आज राष्ट्र जागरण उद्योग व्यापार मंडल ने उत्तर प्रदेश सरकार के परिवहन मंत्री परम आदरणीय श्री अशोक कटारिया जी को एक ज्ञापन सौंपा है जिसमें मांग करी है शहर के व्यस्तम चौराहा नावल्टी चौराहे के बीच में जो रोडवेज है उसको शहर से बाहर शिफ्ट किया जाए जिससे यहाँ पे जाम और बरेली कॉलेज जो सबसे बड़ा फेमस और पुराना कॉलेज है उन छात्रों को भी परेशानी ना हो। दूसरी ऑटो और ई रिक्शा के संबंध में भी किया गया है, उनके रूट निर्धारित किए जाएं और ये सुनिश्चित किया जाए कि इस रूट पे इतने ऑटो चलेंगे उनका रंग चेंज किया जाए। तीसरी हमने मांग रखी है कि जो रोडवेज की बसें चलती हैं उनके ऊपर बस और कंडक्टर के लिए वर्दी होना अनिवार्य किया जाए और उसके ऊपर उनके नाम अंकित होना जरूरी है। कभी कभी देखा गया है सवारियों से बदतमीजी होती है, नाम ना होने के कारण कोई शिकायत नहीं हो पाती। इन्हीं बिंदुओं को लेके हमने आज ज्ञापन सौंपा है सैटेलाइट से और जो एक मांग और रखी है जो सैटेलाइट चलाया है यहाँ से अनाधिकृत बसें चलती हैं और देखा गया है कि आंवला से लेके जयपुर तक बसें जा रही हैं जिसमें काफ़ी धांधलेबाजी हो रही है, उसकी भी शिकायत हमने अभी परिवहन मंत्री से करी है और जिसमें उन्होंने आश्वासन दिया है कि उसमें बहुत जल्द कार्रवाई होगी। धन्यवाद। गुरु जी आप पार्षद भी हैं और राष्ट्र जागरण उद्योग व्यापार मंडल के युवा मंडल प्रभारी भी हैं, आज आपने मंत्री जी को ज्ञापन दिया है, क्या मांग रखी है? हमने मांग, सबसे बड़ी मांग तो हमने ये रखी है जो शहर के बीचों बीच में रोडवेज का बस अड्डा है उसको यहाँ से शहर से स्थानांतरण करने की मांग रखी है कि इसको शहर से कहीं और शिफ्ट किया जाए। और दूसरी हमने मांग ये रखी है कि जो ई रिक्शा और टेम्पू अनऑथराइज तरीके से चल रहे हैं जिन रूट पर कितने ई रिक्शा किस रूट पे चलने चाहिए उनका रंग डिसाइड किया जाए जिससे कि ये यातायात व्यवस्था जो खराब हो रही है स्मार्ट सिटी में स्मार्ट तरीके से व्यवस्थित होके यातायात चले। और एक बरेली कॉलेज के पीछे से अनऑथराइज डग्गामार बसें जो चलती हैं जयपुर वगैरह के लिए उसको जो सरकार को राजस्व की हानि पहुंचाई जा रही है, व्यापारियों का उत्पीड़न भी किया जा रहा है, कई शिकायतें आई थी हमारे व्यापारियों की हमारे लोगों के पास, तो उसके लिए भी हमने ज्ञापन दिया है और मंत्री जी ने इस का हमें आश्वासन दिया है कि हम 24 घंटे के अंदर में इस पर तत्काल कार्रवाई करेंगे।